एनएक्सएल, सॉरी मेरी आवाज भी नहीं आ रही है। प्रेयर के साथ दिन की शुरुआत। योगीन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीर सचवैकिम् युपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलरामयतीर्थम्। पतञ्जलिं प्राञ्जलरामतोऽस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीनवस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। Up your palm, put your palm on your eyes. Yes. सबके साथ सबसे पहले वार्म अप करेंगे हम लोग, और आज हम करेंगे चेयर वर्कआउट। तो गेट रेडी फॉर चेयर वर्कआउट। वी विल स्टार्ट फ्रॉम वार्म अप, क्योंकि ऑलरेडी वी आर लेट, है ना? तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। वन टू चेयर चेयर लेके आ जाइए, क्योंकि चेयर वर्कआउट है। तो आप एक कुर्सी जरूर अरेंज कर लीजिए, कुर्सी और डंबल, है ना? इसके बाद हम कुर्सी और डंबल। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। टैपिंग करेंगे तेज 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 तेज। चलिए यस, फास्ट 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 फास्ट। मैट इस तरीके से बिछा लेंगे कुर्सी के सामने, फास्ट 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 टैपिंग करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। Yes. अब बैठ जाएंगे कुर्सी पे, कुर्सी पे बैठ जाएंगे, है ना? चेयर वर्कआउट है, कुर्सी पे बैठ जाना है। वन टू थ्री, यहीं पर बैठे बैठे फिर ये पैर को ऊपर करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। चेयर वर्कआउट है इसलिए आज आपको चेयर के ऊपर ही बैठ के करना है ना? फ्रेश एनर्जी ड्रिंक आपने ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो ले लीजिए। आज मैं तुलसी फ्लेवर ले रही हूँ। बारिश के सीजन में जो दो फ्लेवर सबसे अच्छे रहते हैं वो है तुलसी और जिंजर। तुलसी और जिंजर अदरक और तुलसी, ये दो फ्लेवर पीना है बारिश में। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन। अब ऐसे ऐसे हाथ करो पीछे,
थोड़ा पीछे हो जाती हूँ, अच्छे से दिखेगा। हाँ अब ऐसे याद करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, पीछे हाथ लेके जाओ सेवन, फिर पीछे हाथ लेके जाओ एट नाइन टेन, फिर पीछे, इसमें हाथ की भी हो रही है पैर की भी हो रही है, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, वन टू थ्री फोर फाइव, पैर ऊपर ऐसे, सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, वेरी गुड। दोनों पैर सीधे करेंगे, दोनों हाथ ऐसे, वन ऐसे जाइए, टू पूरा नीचे टच करेंगे, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, यहां तक लेके आओ, इलेवन सामने लेकर आओ, टेन ऐसे जाओ, मतलब बॉडी को थोड़ा सा आगे लिफ्ट करके आगे तक, ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, वेरी गुड। अब एक पैर को कैसे करना है, ऐसा, और एक पैर कैसा लंबा, एक पर क्रॉस एक पर लंबा। अब क्या करना है, हाथ उठा के नीचे तक लेके जाना, वन टू, इस पैर के टो पे टच करना है, एक पर क्रॉस एक पर लंबा, ठीक है, टच करेंगे 20 टाइम्स बोथ लेग्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, बिल्कुल स्ट्रेट जाइए, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, रिलीज, सेकेंड लेग क्रॉस, ये वाला पैर लंबा, ये वाला पैर क्रॉस, ये वाला पैर लंबा, ठीक है, कैसे जाना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, पूरा नीचे तक, नाइन टेन
कोई सामने से कर लीजिएगा। इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी रिलीज। अब फ्रंट पे जाएंगे, नेक एक्सरसाइज करेंगे। यस, अब इस हाथ से इस नेक खींच के यहां पर ला, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलीज। सेकेंड साइड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। दोनों हाथ यहां पर रखकर नेक को पीछे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पूरा। टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। अब यहां से जाओ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। थोड़ा आगे बैठना चाहिए हमेशा, थोड़ा सा आगे तो ज्यादा अच्छे से करते हैं। थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अब ये पैर इसके ऊपर रखना है, ये पैर इसके ऊपर डाउन होना है, ऐसे अप डाउन एंड अप। क्या करना है आपको, ऐसे पैर पर रखना है थाइस के ऊपर, इसके ऊपर डाउन करेंगे। आगे जाओ, जब आप आगे जाओगे ना तो ऐसे ही गोल नहीं घुमाना है, पेट को मेरुदंड को, मेरुदंड को कैसा सीधा लेके जाना है, हमेशा फॉरवर्ड बेंडिंग करते वक्त चिन टच करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि हेड। जब आप चिन यानी इस तरीके से लंबा खींचेंगे तो ये जो स्पाइन है आपका ये इरेक्ट जाएगा, नहीं तो क्या होगा, स्पाइन फोल्ड हो जाएगा। तो आगे जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट पूरा नाइन टेन। यहां पर आपको स्ट्रेंथ महसूस हो रहा होगा, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। सेकेंड लैग, इस लैग को इधर रख लीजिए। अब आगे जाएंगे, वन टू, ये थाइस और इधर स्ट्रेच को महसूस करेंगे 20 टाइम्स।
गिनती आपकी गिनते जाइए, वन, पूरा स्ट्रेट जाओ, यहां पर हाथ रख सकते हो ऐसे। वेरी गुड, बहुत शानदार। नाउ टेक योर अप्रेश। ये आपको रेगुलर बेसिस पे चेयर वर्कआउट, जो लोग दूसरे वर्कआउट नहीं कर पाते ना, उनको चेयर वर्कआउट तो करना ही करना चाहिए। ठीक है, यस। पीछे आ जाएंगे तो मैं कुछ अप्रेश करने के लिए आते हैं। दोनों पैरों को ऐसे ऐसे करेंगे, जैसे आप वो कई बार नदी किनारे जाके क्या करते हैं हम लोग, पैर मारते हैं ऐसे। 3 to 5 मिनट्स रेगुलर बेसिस पे ऐसा करना चाहिए, उससे ब्लड फ्लो बढ़ता है। 1 2 3 फास्ट फास्ट करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट चलाना है। जिनको स्विमिंग सीखनी है ना, जिनको स्विमिंग नहीं आती, आप वैसे सबको आती होगी वैसे, पर जिनको स्विमिंग नहीं आती उनको ये करना चाहिए। बिल्कुल पैर स्ट्रेट, ऐसे पीछे हाथ रख लो, आपको चला। क्या करना है, दोनों हाथ इधर रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। इसको बोलते हैं बाइसिकल। सिर्फ पैर उठा के ऐसे ऐसे करना है। कोर एक्सरसाइजेस है ये, चेयर पे बैठ के करने वाली कोर एक्सरसाइजेस। दिस एक्सरसाइज इज कॉल्ड एज बाइसिकल। अब बोलते हैं हॉपर्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज हॉपर्स। हॉपर्स में क्या करना होता है, दोनों पैर उठाना है एक साथ। 1 2 3 4 5 6 फास्ट फास्ट बोलते हैं हॉपर्स। ठोको इसको उठा उठा कर। तो हमने क्या किया, हिप हॉप, इसको बोलते हैं हिप हॉप, इसको बोलते हैं हॉपर्स, और इसको बोलते हैं बाइसिकल। तो हमने 3 एक्सरसाइजेस करी, हिप हॉप, हॉपर्स और बाइसिकल। अभी आप हॉपर्स करेंगे। दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग योर कोर एंड मेकिंग योर कोर स्ट्रॉन्ग। इससे कोर स्ट्रॉन्ग बनता है आपका, जो लोअर एबडोमिन की मसल जिनकी ढीली रहती है। दिस ऑल 3 एक्सरसाइजेस, हॉपर्स, बाइसिकल एंड हिप हॉप, 3 एक्सरसाइजेस बताई मैंने आपको, हिप हॉप, हॉपर्स और बाइसिकल। ये हॉपर्स है, इसको ध्यान से देखो आप।
दोनों पैरों को मैंने क्या करा, एक साथ उठाया। और ये वाली फ्लटर किक्स होती है, फ्लटर किक्स। फ्लटर मतलब बाहर हवा में मार रहे हैं ना हम लोग, इसलिए इसको फ्लटर किक्स बोलते हैं, फ्लटर किक्स। मारो फ्लटर किक्स। पर्स। जो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि कुछ नहीं कर सकते, चेयर वर्कआउट का अपना एक अपना रोल होता है, क्योंकि ये सारी चीजें ना व्यक्ति, ये भी कोर को स्ट्रांग करता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दोनों पैरों को ऐसे रखना है, यहां तक लेके जाना है नीचे, टू थ्री, यहां तक लेके जाना है। कहां तक? इधर तक, है ना? आप देखो ध्यान से, थोड़ा दूर कैमरा कर लेती हूँ। यहां देखो, यहां से मैंने क्या करा, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, 12 टाइम्स 3 सेट, 12 12 के 3 सेट लगाइए, 12 12 के 3 सेट। मतलब आप 12 बार करेंगे, फिर थोड़ा रुकेंगे, फिर 12 बार करेंगे, फिर थोड़ा रुकेंगे, फिर 12 बार करेंगे, ठीक है? वन डा, टू, थ्री, चार, पांच, छः, सात, आठ। नो, दस, 11, ऊपर ला पूरा एब्डोमेन तक। अब बाकी के सेट आप बाद में लगाना, क्योंकि मेरे पास समय की शॉर्टेज रहती है। पर इसकी जो है 12 12 के 3 सेट आपको घर पे प्रैक्टिस करना, जिनको भी कोर मजबूत करना है उनके लिए। रिवर्स क्रंचेस ऑन चेयर, वन, देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन 16, 17, 18, 19, 20। आप चेयर पे बैठ के क्या नहीं कर सकते, है ना? टेक योर वाटर। रिवर्स क्रंचेस लगाए हमने, हॉपर्स लगाया, हिप हॉप लगाया, करा हमने बहुत सारा। टेक योर वाटर। अब एक और करेंगे, दोनों हाथ को इधर रखना है, ठीक है? क्या कर रहा है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। देखो, जब आप ऐसे आओगे तो 13 14। अब यहां पर इधर कुर्सी के पीछे हाथ रख लो, यू नीड हेल्प, है ना? इसको उठा के इधर रखना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन
लिखूं, पैर को कैसे रखना है, उठा के रखना है, उठा के, जैसे ये उठाया ओपन, ये उठाया क्लोज, उठाया ओपन, उठाया क्लोज, उठाया ओपन, उठाया क्लोज। अब ये दोनों पैर इधर ऐसे चौड़े कर लीजिए, ये हाथ इधर रखिए, इसको यहां तक लेके आए, 20, सेकेंड साइड, 1, ठाके दे, 20। आया मजा? चेयर पे बैठ के मजा दिला दिया आपको मैंने। अब ये हाथ इधर रखो, 1, 2, 3, 4, 5, सेकेंड साइड, टाइम कम है इसलिए कम करेंगे, 1, 2, 3, ये एक कमर पे रख लो, एक कमर पे रख लो ऐसे, 4, 5, 6, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, चेयर पे पैर रखना है और जमीन पे लेटना है, 3-4 एक्सरसाइजेस और करवाऊंगी मैं इस तरीके से, देखो। ये दिख रही हूं मैं, मुझे नहीं पता, 1, 2, इस तरीके से देखो आप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से चेयर पे बैठ के जमीन पे लेटे के। बहुत सारी एक्सरसाइजेज आज हम करते जा रहे हैं, डिफरेंट 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 डिफरेंट। तो नाउ इट्स टाइम फॉर प्राणायाम। आराम से बैठ जाएंगे फिट कंफर्टेबली। आज थोड़ा सा मेरी गलती के कारण 10 मिनट लेट हो गया सेशन, तो 10 मिनट हम कम कर पाए, कोई बात नहीं, किसी दिन 10 मिनट ज्यादा करेंगे। यस, आराम से बैठ जाएंगे, ध्यान मुद्रा, 15 मिनट तो प्राणायाम बनता ही बनता है, डीप इनहेल, गहरी सांस लीजिए, एक्सहेल, अगेन डीप इनहेल, अपनी दाई नासिका को प्रेस करके अपने बाई नासिका से 50 बार एक्सहेल इनहेल,
अपनी वायु नासिका को प्रेस करके, ये गुरु और शनि की उंगलियां रहती है दोनों, ये गुरु और एक शनि, ठीक है, यहाँ पर रखकर अपनी दाई नासिका अपनी सूर्य नाड़ी से 50 बार इन्हेल अपने दोनों नासिका द्वार से कपालभाति क्रिया, कपालभाति क्रिया कपाल शोधन करती है, कपालभाति क्रिया कफ रोग निवारक होती है, कपालभाति क्रिया हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाती है, कपालभाति क्रिया चयापचय दर को बढ़ाती है। 1 मिनट लगातार लोहार की धोखनी के समान तेजी से सांसों को बाहर छोड़ेंगे रंदनी में। स्टार्ट करते हैं कपालभाति क्रिया। अनुलोम विलोम प्राणायाम चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन का कारक होता है, और चंद्र नाड़ी से सांस लेने की शुरुआत करेंगे। चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चलम भवे, जब तक शरीर में वात है, जब तक वायु है, जब तक प्राण है, जब तक हमारा मन भी चलायमान होता है, मन को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम करना चाहिए डेली बेसिस पे। अनुलोम विलोम प्राणायाम हर व्यक्ति कर सकता है, हर एज ग्रुप का व्यक्ति, उच्च रक्तचाप मधुमेह किसी से भी पीड़ित व्यक्ति, अनुलोम विलोम प्राणायाम सबके लिए सभी को करना चाहिए। इससे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, हमारे जो कोशिकाएं हैं उनमें जो है ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, और हम पहले से ज्यादा फिट होते हैं। जिनको बीमारियां नहीं उनको नहीं होती है, जिनको हो गई है उनकी ठीक होती है। 11 बार कम से कम अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रणव मुद्रा बनाएंगे, दोनों उंगलियों को क्रॉस करिए, अंगुष्ठ को अपने सूर्य नाड़ी पर रखकर, और यहाँ ये वाली उंगली जो रहती है पास वाली चीटी उंगली की, इसको यहाँ पर सिर पर मस्तक पर रखकर डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। किसी भी हालत में आपको अपना मेरुदंड को ऐसे ढीला नहीं करना है, जब भी प्राणायाम करेंगे मेरुदंड बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। इसके लिए सबसे अच्छा आसन पद्मासन लगाइए। जब आप पद्मासन लगाएंगे तो कभी भी मेरुदंड नीचे नहीं जाएगा, यानी स्पाइन हमेशा इरेक्ट रहना चाहिए। डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, 11 बार श्वास और प्रश्वास की ध्वनि आपके शरीर तक भी नहीं आना चाहिए, और इतना धीरे श्वास और प्रश्वास करना है, फोर्सफुली श्वास और प्रश्वास नहीं करना है। दुख दोर्मनस से अंगमे जत श्वास प्रश्वास सह भुवम। महर्षि पतंजलि बोल गए हैं कि व्यक्ति अगर अपने विल के अनुसार श्वास और प्रश्वास नहीं ले पाता है तो यह एक क्या है, अंतराय है, या एक बाधा है योग की। तो इसलिए अपने विल के अनुसार श्वास और प्रश्वास लेने का प्रयास करें, प्राणायाम के समय को बढ़ाइए धीरे धीरे। डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल,
उज्जायी प्राणायाम करेंगे। उज्जायी प्राणायाम मतलब क्या होता है, आपको जो सांस लेनी है पीछे, ऊपर आगे जो होता है हमारा रसा नाल होता है जिसको बोलते हैं इसोफेजियल ट्रैक, इसके पीछे जो होता है ट्रेकिया होता है जो लंग्स तक जाता है। अब ये ट्रेकिया, अगर ट्रेकिया की आपको क्वालिटी बताऊं, ट्रेकिया ऐसा होता है कि जरा सा भी दब जाता है तो व्यक्ति का हरिबोल हो जाता है, इतना इतना इसको साफ और स्वच्छ और एयर का पैसेज जो होता है यहाँ से नाक से और मुंह से सांस ट्रेकिया से होती हुई लंग्स में जाती है, वहां से आपको पीछे से सांस लेना है और आवाज करते हुए सांस को अंदर लेके जाना है। ये जो उज्जयी प्राणायाम होता है स्पेशली हाइपोथायरायडिज्म वालों के लिए बेस्ट माना जाता है। जो गायक होते हैं, जो गायन करते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे अपने ट्रेकिया को क्लीन करते हैं उज्जयी प्राणायाम करके। उज्जयी प्राणायाम एक अकेला ऐसा प्राणायाम है जो चलते फिरते किया जा सकता है, यानी आप इसको चलते फिरते भी कर सकते हो, रोमिंग प्राणायाम जिसको बोलते हैं, और इसको करना चाहिए स्पेशली जिनका जिनको इस ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है, यानी जिनको कफ हो रहा है, अस्थमा हो गया है, उनके लिए भी उज्जयी प्राणायाम बेस्ट माना जाता है। नाक से सांस लेना है, ट्रेकिया से होती हुई आवाज करती हुई सांस को अंदर ले जाना है, और जो साधक थोड़े एक्सपीरियंस हो जाते हैं वो जब एक्सहेल करते हैं तब भी उनके शरीर से आवाज आती है। तो हम जो है अभी क्या बोलते हैं, पैदा हुए हैं, अभी हम प्राणायाम सीख रहे हैं, तो हमारा शायद अभी हम जो है अधम कोटि के साधक बोल सकते हैं। तीन कोटि के साधक होते हैं, अधम कोटि के साधक, मध्यम कोटि के साधक और उत्तम कोटि के साधक। तो हम अभी बहुत नीचे वाली स्टेज पे हैं, तो अभी हमें इसका प्रयास करना है। एटलीस्ट हम इनहेल करते वक्त तो आवाज कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। नाक से ही सांस को बाहर छोड़ेंगे और नाक से ही सांस को अंदर लेंगे, नासिका द्वार से ही सांस को खींचना है, बिल्कुल यहां से गले से खींचते हुए सांस को अंदर लेना है। खींचो सांस को, एक और बार उज्जयी प्राणायाम। अब अपने पेट को, क्योंकि आज अभी आपका सबका पेट खाली होगा, अभी कुछ खाया तो होगा नहीं, अग्निसार क्रिया करेंगे। जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, जिनको मोशन प्रॉपर नहीं होता है, जिनका बीपी बढ़ा हुआ है उनके लिए भी, और जो नॉली करना चाहते हैं आगे चल के, ये जो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, ये जो इसोफेजियल ट्रैक्ट है, यहाँ से खाना जाके अमाशय में जाता है, पेट में जाता है, पेट से छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत जो है ये यहाँ पर रहती है लगभग, यहाँ से जो है फूड मूव करके गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकलता है। ये टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस होती है। पर जब आप अग्निसार क्रिया करते हो, अग्निसार क्रिया मतलब पहले जब आप सांस को पूरी तरह बाहर फेंक देते हो, उसके बाद आप क्या करोगे, पेट पेट पैर की ये जो पेट है, लोअर अबडामन की जो नसें हैं जहां पर आपकी बड़ी आंत रहती है, लार्ज इंटेस्टाइन रहती है, उसको क्या करोगे, सिर्फ उसको दबाना है, दबाओ फास्ट फास्ट, कि रोज प्रैक्टिस करना चाहिए। अग्निसार क्रिया जबरदस्त रूप से हीट को, जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, और जिसकी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, बैठे बैठे वजन कम कर सकता है। यस, एक और बार अग्निसार क्रिया।
आपने रामदेव बाबा जी को देखा हो गया, जो भी आपके पास संत होगी वह इस तरीके से पेट को पूरा ऐसे ऐसे घुमा लेते हैं। अग्निसार क्रिया नौली क्रिया के पहले वाली क्रिया होती है। नौली मतलब क्या होता है, आप जो पेट की मसल्स है इधर कर लोगे, उनको चाह के इधर कर लोगे, उनको चाह के पूरा का पूरा रोटेट कर लो, ये सिर्फ खाली पेट होता है। और जब आप अग्निसार कर रहा है तो रात का भोजन निषिद्ध रहता है, बंद रहता है इसमें। रात को इसीलिए हम बोलते हैं शेक पियो, खाना बंद करो, सिर्फ शेक पियो। अगर आपको अग्निसार की प्रैक्टिस करना है, रात का भोजन निषेध कर दीजिए, तभी ये होगा। चलिए मेडिटेशन करते हैं, 2 से 5 मिनट का मेडिटेशन, आंखें बंद, पूरा ध्यान हमारे अनाहत चक्र पर, हृदय चक्र पर। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। सूर्योदय हो चुका है, मौसम बड़ा साफ है, बारिश के बाद पूरे उपवन लहलहा रहे हैं, चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, मछलियां जलों में वितरण कर रही हैं। हमारा अब पहले से ज्यादा हमारे मन पर कंट्रोल है। अभी हमने प्राणायाम किया है और मन को हम कंट्रोल कर रहे हैं। हमारा पहले से ज्यादा हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल है। ज्ञानेंद्रियां जो हमारी है, जिससे हमें ज्ञान मिलता है, श्रोत इंद्रिया कानों के द्वारा हम सुनते हैं, त्वक इंद्री स्किन जिससे हम स्पर्श करते हैं, चक्षु इंद्री जिससे हम देखते हैं, जिह्वा जिससे हम स्वाद लेते हैं, और घ्राण इंद्रिया जिससे हम सुगंध सूंघते हैं, जिससे हम महक लेते हैं। इन सभी पर हमारा नियंत्रण होता जा रहा है, ये इंद्रियां हमारे वश में आती जा रही हैं। हम पहले से ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। हमें सर्दी और गर्मी का असर नहीं होता। हमें सुख और दुख में समान रहने की आदत है। सुख में हम चंचल नहीं होते और दुख में हम डिप्रेस नहीं होते। हमारा पूरा शरीर, हमारी मन की इंद्रियां, हमारी ज्ञान इंद्रियां हमारा शरीर, पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर अब हमारे नियंत्रण में है। क्षितिजल पावक पवन समीरा। क्षिति का मतलब होता है आकाश, जल यानी जल, पावक यानी अग्नि, पवन यानी वायु, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, इन पंच तत्वों से बना हुआ शरीर, इसका हमें ज्यादा से ज्यादा उपयोग लेना है। हम ज्यादा कर्मठ बन रहे हैं और इस पंचभूतों से बने हुए हमारे शरीर का हम ज्यादा से ज्यादा काम लेके, यानी इसको क्या करते हैं, सब बोलते हैं कि इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो, यूज योर बॉडी। हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट, हमारे गुरु हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। एक साथ मेरे साथ बोलेंगे, असतो माँ
सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया, सत्यम वदा धर्मम चरा, सत्यम वदा धर्मम चरा, सत्यम वदा धर्मम चरा। तेजी से हस्त मुद्राओं का घर्षण करेंगे। और अपने नेत्रों पर रखकर धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे। भूमि प्रणाम करेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गौरी, स्यात् प्रभाते करदर्शन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भवति। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो, इसी कामना के साथ दिन की शुरुआत। आई विल नॉट टेक योर मच टाइम। सभी अपना शेक वगैरह बना लिए। आज मैं आपको जो टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ, दैट इज रोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन अवर बॉडी। रोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन अवर बॉडी, ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है और इसका रोल हमारे शरीर पे क्या होता है, ये हम आज समझेंगे। तो रोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, एलिमेंट है, मतलब गैस बोल सकते हैं इसको, जो पूरे टाइम हमारे शरीर से सीक्रेट होती रहती है। और ये क्या करता है, जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे वेसल्स को, हमारी धमनियों को, हमारी आर्टरीज को डायलेटेड रखने का काम करता है, ये ने रिलैक्स रखने का काम करता है। जो बच्चा छोटा पैदा होता है उसकी जो शरीर है वो बहुत लचीला होता है, और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है, उसकी उम्र बढ़ती जाती है, उसके शरीर का लचीलापन कम हो जाता है, वो इलास्टिसिटी से प्लास्टिसिटी की तरफ बढ़ता जाता है, इलास्टिसिटी से प्लास्टिसिटी की तरफ बढ़ता जाता है। 9 साल के बच्चा जो होता है वो 12 साल से ज्यादा इलास्टिक होता है, 12 साल का बच्चा 15 साल से ज्यादा इलास्टिक होता है, और जैसे 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 उम्र बढ़ती जाएगी वो उसकी जो धमनियां हैं वो ऑटो मोड में कड़क होती जाएंगी। ये बिल्कुल फैक्ट है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। बच्चों में हमारा जो शरीर है, हमारी जो शरीर है वो प्रकृति से बना है। हम कहाँ से आए, नेचर से आए। अभी मैंने आपको बताया कि वी मेड फ्रॉम पंच महाभूत, क्षिति जल पावक पवन समीरा। हम 5 महाभूत से बने हुए हैं, कौन कौन से, आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी। ये 5, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ऐसा बोल सकते हैं, इससे बने हुए हैं। तो क्या होता है कि इसमें 3 गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों से ये ऑटो मोड में हर व्यक्ति के साथ ही आते हैं, क्योंकि प्रकृति से हम लोग का, हम पैदा कहाँ से हुए, प्रकृति से हुए, और प्रकृति में ये 3 गुण है, त्रिगुणात्मक है ये प्रकृति, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। ये गुण हमारे बचपन से ही आते हैं। जो बच्चा छोटा रहता है उसके रजोगुण ज्यादा रहता है, यानी वो चंचल प्रकृति का ज्यादा रहता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी सीरियसनेस बढ़ती जाती है, हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। हम क्यों सीरियस बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग डेवलप होता जाता है, और जैसे जैसे हमारा दिमाग डेवलप होता जाता है हमारे मन में वृत्तियां आने लग जाती हैं। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला। एक बच्चे को कभी देखा बुरा लगते हुए, कभी उसके दिमाग में कोई आया, ये मेरा एनिमी है, ये मेरा ऐसा है, ये मेरा वैसा है, इसने मेरे साथ ऐसा करा, इसको मैं ऐसा बोलूंगा। कभी बच्चे के दिमाग में ये सारी चीजें नहीं आएंगी। ये सारी चीजें दिमाग किसमें आएगी, ये बड़े व्यक्ति के दिमाग में की पैदाइश होती है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे रजोगुण जो है, चंचलता का जो व्यवहार है वो हमारा कम होता जाता है, हमारी एक्टिविटी कम होती जाती है, और ज्यादा सीनियर होते जाएंगे और एक्टिविटी कम होती जाएगी। इसीलिए क्लब में आना जरूरी है, ताकि क्लब में हम एक्टिव रहें। अब ये एक्टिविटी कम होने से हमारे शरीर में जो एक सिक्रेट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, वो धीरे 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 कम होता जाता है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी से हमारे जो
धमनियां हैं जो आर्टरीज और वेन्स है वो क्या होती जाती है, कड़क होती जाती है। अब दो तरीके हैं इनको नरम करने के, या तो हम एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, पर व्यायाम से भी एक लिमिटेड असर ही पड़ता है इस पे, व्यायाम से भी एक लिमिटेड असर ही पड़ता है। और या फिर हम हमारा ऐसा भोजन करें जिससे हमारे शरीर में धमनियों में ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छा हो और धमनियां जो है हमारी नरम रहे और हमारी बॉडी कड़क ना हो। तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन फॉर ऑल ऑफ यू, डू एक्सरसाइजेस, व्यायाम करना जरूरी है, बिकॉज एक्सरसाइज करने से हमारा धमनियां जो रहती है उसमें हमारे ऑक्सीजन का सप्लाई होता रहता है और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है सेल्फ सीक्रेट होता रहता है। पर सारा का सारा हम नाइट्रिक ऑक्साइड व्यायाम करके सीक्रेट नहीं कर सकते, इसलिए एक प्रोडक्ट है जो हम आपको रेकमेंड करते हैं, दैट इज नाइटवर्क्स। नाइटवर्क्स जितने भी यहाँ पर सीनियर्स हैं उनको जरूर लेना चाहिए। अब ये नाइटवर्क्स क्या काम करता है, ये नाइटवर्क्स बेटे ठाले नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रेट करता है जो कि हमारी धमनिया वेसल्स को डायलेटेड रखता है। ये आप अपने कोच के द्वारा ऑर्डर कर सकते हैं। इसका जो डोज रहता है 1 स्कूप डेली एट एनी टाइम। कई लोग बोलते हैं रात में लेना चाहिए, ऐसा नहीं है, रात में लेना चाहिए, इसको दिन में भी लिया जा सकता है। इसमें वाइटामिन सी, ई, फॉलिक एसिड और एल आर्जिनिन होता है। वाइटामिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आयरन लेवल्स को बढ़ाने में मदद करता है, विटामिन ई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है तो स्किन के ऊपर काम करता है, एल आर्जिनिन जो रहता है वो वेजो डायलेटर रहता है, मतलब वेसल्स को डायलेटेड रखता है, यानी आर्टरीज और धमनियों धमनियों में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब बराबर चलती रहती है शरीर में, है ना। और फॉलिक एसिड जो रहता है, मैंने आपको बताया प्री कंसेप्शन ऑफ द प्रेगनेंसी, जो लोग प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, और ये मैंने आपको एक चीज बताई थी, ऐसा कौन सा कोशिका है, ऐसी कौन सी कोशिका है जो कभी नई नई बनती, दैट इज द ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स अकेले एक ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसी कोशिका होते हैं जो ब्रेन में वापस नहीं बनते, सारी चीजें वापस बन जाती है। और सबसे ज्यादा सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं कहाँ के, लीवर के। लीवर तो इतना सा भी आप सेल डालोगे पूरा लीवर बन जाएगा, पर ब्रेन का न्यूरॉन अकेला ऐसा ऐसा सेल है जो बनता ही नहीं है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो फॉलिक एसिड प्री कंसेप्शन देने से, फॉलिक एसिड क्या करता है, जो लोग प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं उनको यदि हम फॉलिक एसिड देते हैं तो फॉलिक एसिड उनके न्यूरॉन्स बनाने में मदद करता है जो कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में ही बनते हैं। तो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रेगनेंसी कैन टेक फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स, एंड अवर एन आर्जिनिन अवर नाइटवर्क्स कंटेन फॉलिक एसिड इन इट, एंड वाइटामिन सी ई फॉलिक एसिड एंड एल आर्जिनिन, इट कंटेन्स वाइटामिन सी ई फॉलिक एसिड एंड एल आर्जिनिन। तो ये फॉलिक एसिड का रोल रहता है, ये न्यूरॉन्स फॉर्मेशन में मदद करता है, जिन लोगों के हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो जाते हैं उनके हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। तो ये इतने सारे फंक्शंस होते हैं। जो लोग नाइटवर्क्स डेली बेसिस पे लेते हैं उनको क्या क्या फायदे हुए हैं, हमारे साथ मेंबर है सीमा मैम। सीमा मैम इज हियर, सीमा मैम इज हियर, अभी है क्या यहाँ पर, सॉरी शी इज नॉट हियर, बट अगर वो होती तो मैं उनसे शेयर करवाती। उनको 20 साल से इलाज चल रहा था डॉक्टर का, और 20 साल से इलाज करने के बाद भी उनको जो है प्रॉब्लम उनकी बनी हुई थी। हम यहाँ पर डिस्क्लेमर है, कोई बीमारी ठीक करने का दावा नहीं करते हैं, पर उनको बहुत फायदा हुआ और उनके जो थक्के जमने वाली बीमारी है वो उनकी इसको लेने से खत्म हो गई। अब इसको लेने के और क्या-क्या फायदे बताए मैंने आपको, इसको लेने के फायदे ये बताए कि फॉलिक एसिड सप्लाई देता है, तो फॉलिक एसिड जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, उसके फायदे मैंने अभी आपको बताए। नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीट करने से धमनियां नरम रहती है, अब धमनियां नरम रहेगी तो व्यक्ति को हार्ट अटैक नहीं आएगा, सीधी सीधी बात है, हर चीज डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड होती है। तो स्पेशली 30, 40, 50 प्लस आपके घर में यदि आपके पेरेंट्स हैं, इफ यू आर इतने किस्मत वाले हैं कि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ में रह रहे हैं, यू आर सो लकी इफ योर मदर फादर इज विथ यू, मैं इसको सबसे बड़ा धन मानती हूँ। और अगर आपके साथ हैं तो उनकी सेहत का ध्यान रखना आपका कर्तव्य है, और उनको रेगुलर बेसिस पे 1 स्कूप नाइट्रिक ऑक्साइड आप उनके बर्थडे पे गिफ्ट करिए,
उनके जन्मदिन पे उनको नाइटवर्क्स का डब्बा गिफ्ट करिए, जो कि एक लाइफलाइन की तरह काम करेगा। अगर हैं, अगर आप किस्मत वाले हैं, इतने किस्मत वाले हैं कि माँ बाप के साथ रहते हैं, तो उनकी जीविका का पूरा और उनके अच्छे रहने का पूरा जिम्मेदारी हमारी बनती है, और उनको नाइट्रिक ऑक्साइड जरूर 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 आज ही उनको गिफ्ट करें, दोनों को, पिता को भी और माता को भी। उससे क्या होगा कि 99.99% मस्त जिंदगी जिएंगे। लुईस इग्नारो नाम के एक साइंटिस्ट है जिनको इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए नोबल प्राइज मिला है। ही इज अ नोबल लॉरिएट इन मेडिसिन बिकॉज ऑफ मेकिंग दिस ब्लेंड। इस ब्लेंड को बनाने के लिए नोबल प्राइज विजेता लुईस इग्नारो है, जिनकी खुद की उम्र 85+ है, जो 3 चम्मच नाइट्रिक ऑक्साइड रेगुलर बेसिस पे लेते हैं। यू कैन सर्च ऑन गूगल कि हु इज लुईस इग्नारो एंड व्हाट रिसर्च ही मेड, और क्या रिसर्च उन्होंने इसके ऊपर करी है, और उनकी खुद की हेल्थ कैसी है, और वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं। इस सारी जानकारी आपको गूगल पे, इंटरनेट पे मिल जाएगी। यू कैन सर्च एंड यू कैन गिफ्ट योर पेरेंट्स, एटलीस्ट आज ही उनको गिफ्ट करेंगे सब नाइट्रिक ऑक्साइड। तो थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे सीनियर वेलनेस कोच जीनत मैम, ऑल अलोंग फ्रॉम मुंबई। एनी बडी हु इज न्यू हियर